गोड्डा से कांग्रेस ने दीपिका पांडे का टिकट काट दिया है, काफी विरोध हो रहा था और प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप यादव हैं, बधाई आपको। थैंक यू। बहुत विरोध हो रहा था, अब लग रहा है कि बहुत समर्थन मिलेगा। देखिए, विरोध समर्थन की बात नहीं है, पार्टी ने जो निर्णय किया है हम पार्टी के निर्णय के साथ है, पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। अब जनता के दरबार में जाना है, जनता को फैसला लेना है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो कांग्रेस गठबंधन की पूरे देश में हवा चली है, बदलाव का रुख है, हमें लगता है कि जनता भी इसे प्राथमिकता देगी। तो अक्सर ये कहा जाता रहा है कि प्रदीप यादव जी हैं, फुरकान जी हैं, दीपिका जी हैं, तीनों में से किसी एक को मिलेगा तो दो नाराज हो जाएंगे, तो क्या प्रदीप जी को मिला तो अब कोई नाराजगी नहीं रहेगी, सबको आप मना लेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेता आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय खड़गे साहब को, पूरी पार्टी को, यहाँ पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट आदरणीय ठाकुर जी को, आलमगीर आलम साहब जो हमारे विधायक दल के लीडर हैं, हमारे जो प्रभारी मीर साहब हैं, तमाम लोगों को बधाई देता हूँ, हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलजुल करके हम सब चलेंगे। हमारे जो लोकसभा क्षेत्र से हमारे मंत्री भी है साथ में, बादल बाबू हैं, हमारे श्यामल बाबू वरिष्ठ नेता है वहाँ के, हम लोग तमाम लोग मिलजुल करके चलेंगे। हमें लगता है कि नाराजगी की कोई चीज़ नहीं है, सारे लोग मिलजुल के चलेंगे तो इस चुनाव को जीतने का हम सबका लक्ष्य है। गोड्डा में पहले से एक नारा चल रहा है कि इस बार तानाशाही के खिलाफ चुनाव होगा और एकजुट होकर वोट करेंगे। देखिए, इन सब बातों पर हम यकीन नहीं करते। मेरा एक ही है कि भाई, जनता चाहती है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति हो, हमारी सेवा करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई दुख सुख का साथी हो और हमें लगता है कि उसमें हम फिट बैठ पाएंगे, उसका हम बेहतर काम कर पाएंगे। आपके सामने निशिकांत दुबे हैं, मौजूदा सांसद हैं, प्रत्याशी भी हैं, वो दुमका में ये भी कहे कि अगर प्रदीप यादव उम्मीदवार बनते हैं तो हम प्रचार भी नहीं करेंगे। देखिए, जिन्हें गाँव आने की आदत नहीं है वो इस प्रकार का बोल सकते हैं, हमें गाँव जाने की आदत है, गाँव वालों से मिलने की आदत है, जनता के बीच रहने की आदत है, हम प्रचार भी करेंगे और सालों भर जनता के बीच रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पतंग तभी ऊपर तक उड़ता है जब उनके धागे और लट से उन्हें संबंध रहता है, तो नेता भी तभी ऊपर रहेगा जब जनता से संबंध रहेगा, कटेगा तो पतंग की तरह उस नाली में जा गिरेगा। इसीलिए हम जनता के बीच रहने वाले लोग, हम जनता के साथ रहेंगे, चाहे प्रचार हो चाहे प्रचार के बाद हो। किन मुद्दों के साथ उतरेंगे मैदान? देखिए, मुद्दे काफ़ी हैं, अभी थोड़े समय वक्त कम है, सारे मुद्दे आपके सामने रखेंगे। एक ही मुद्दा है, सेवा का भाव, जनता की सेवा, जन समस्याओं का समाधान, बस आज की तारीख में मुद्दे इतने। थैंक यू। तो देखिए, साथ में बादल पत्रलेख भी हैं, क्या कहेंगे, प्रदीप जी को उम्मीदवार बनाया गया? बिल्कुल, हम लोग सब मिलकर चुनाव में जाएंगे और आज जिस तरह यहाँ पर रैली थी हम लोगों की, हम लोग 14 लोकसभा सीट पर तैयारी शुरू कर चुके हैं और गठबंधन के सभी दल के लोग और जहाँ जिनको सीट मिली है सब चाहेंगे कि इस बार बेहतर प्रदर्शन करें और वो आपको दिखेगा। कितना मजबूत टक्कर दे पाएंगे प्रदीप जी? तो देखिए, मंत्री बादल पत्रलेख भी इस वक्त प्रदीप यादव के आवास से बाहर निकल रहे हैं और प्रदीप यादव अब रांची से गोड्डा के लिए रवाना हो रहे हैं। गोड्डा जाएंगे और गोड्डा ट्रेन से वो जा रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद रांची रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलेगी। आप देखिए कि आगे जाकर भी संजय दिखाइए कि अब यहाँ से रांची से जैसे ही नाम की घोषणा हुई, कार्यक्रम से लौटे और उसके बाद अब गोड्डा के लिए रवाना हो गए। क्या कहेंगे श्यामल जी, प्रदीप जी कितनी मजबूत दावेदारी टक्कर दे पाएंगे निशिकांत? देखिए, ये जनता से जुड़े हुए हैं और लगातार जनता की सेवा के लिए आंदोलनरत भी रहे हैं और कई बार इन्हें मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा जनता की सेवा के लिए, और इस बार जनता इनको बढ़ चढ़ कर इनके आशीर्वाद देगी और ये जीतेंगे। निशिकांत जी, लेकिन हमेशा इनके उस केस का जिक्र कर इन पर सवाल खड़ा करते रहे, उन सबसे क्या परेशानी होगी या और आसानी होगी? लेकिन निशिकांत जी का ये आदत है कि वो किसी के बारे में लांछना लगाना, हमें नहीं लगता कि राजनीति में इन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनको लगता है ऐसी बातें करने से वो इस चुनाव जीत जाएंगे। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो बोल रहे थे कि एक कम से कम मुसलमान को जो टिकट है मिलना चाहिए झारखंड में, तो वो अब क्या प्रदीप जी के साथ हो जाएंगे, फुरकान जी मान जाएंगे? बाद में आप देखे होंगे जहाँ भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय दोनों एक होकर ये बात कर रहा था कि किसी एक को भी प्रतिनिधित्व मिले। अब चूंकि यादव समुदाय से मिला है तो हमें लगता है कि सभी लोग साथ में काम करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, रांची में ये प्रदीप यादव का आवास है और यहाँ से अब गोड्डा के लिए
प्रदीप यादव निकल गए हैं, गुड्डा पहुंचेंगे। गुड्डा का तापमान अब बढ़ने वाला है। जिस तरह से दीपिका पांडे को टिकट मिला और लगातार विरोध प्रदर्शन एक तरह से हो रहा था, और यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान ने अब अपने उम्मीदवार बदला है, प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया है। तो देखना होगा कि अब गुड्डा का चुनावी रंग और क्या क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.